जैन बच्चों, तो टुडे विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेन। और क्वेश्चन ये दो बार आ चुका है, 2018 में, 2019 में, फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एट द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लूप ऑफ साइड 1 मीटर करंट 10 एम्पेयर इज। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी हमको सेंटर पे फील्ड निकालनी कितनी हो, तो क्या करना होगा उसके लिए। तो किसी भी, इसमें एक्चुअली 3 वायर्स हैं, है ना, और सेंटर फील्ड निकालनी है। तो अगर मैं ऐसे एक वायर को ड्रॉ कर लूं, तो किसी भी वायर के फील्ड जो होती है वो होती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा बीटा ये एंगल होता है। अगर ये कोई वायर है तो अगर इस आधे एंगल को बोले तो ये अल्फा है, और इस आधे एंगल को बोले तो ये बीटा है, और जो ये डिस्टेंस दिख रहा है परपेंडिकुलर, इसको आर बोला जाता है ना। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये एंगल 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा तीनों साइड्स के लिए, बिकॉज तीन ही साइड्स है इसमें, तो सब 60-60 होंगे। तो अगर मैं यहाँ पुट करूँ वैल्यू उसकी किसी एक की वजह से, और हमें खाली आर निकालना होगा, आर कितना है ना। तो अब आर निकालते हैं। आर एक्चुअली सेंटर है, तो सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर कोई ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल की बात करें, और साइड अगर ये मान लेते हैं एल है और ये एंगल 60 होता है, तो ये जो साइड है आपके पास ये वाली, इसको लिख सकते हैं आप एल साइन 60। इट मीन्स कि एल √3/2। और आपको ये पता है कि जो सेंट्रॉइड है वो 1:2 में बांटता है, मतलब ये 1 है और ये 2 है। तो अगर मैं इस ओ सी की बात करूं, सो आई कैन राइट ओ सी इज इक्वल टू 1:2 बांटेगा, तो जितनी भी लेंथ है, मान ले लेंथ ये, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, तो जो ओ सी होगा वो x/3 होगा। तो एक्स टू पुट कर लें तो एल बाय 2√3 आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को आप याद भी कर सकते हैं कि सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है किसी भी साइड से वो एल बाय 2√3 होता है। एल यहाँ पे साइड लेंथ, तो यही हमारा यहाँ पे आर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10^-7, और जो करंट है लूप में वो है 10, आर की वैल्यू है एल बाय 2√3, एल है हमारा 1 मीटर, सो 1/2√3 इंटू साइन 60 प्लस साइन 60। ये तो एक की वजह से हुआ है, ये तो इसकी वजह से, बाकी सबकी वजह से भी सेम ही होगा, है ना। तो हम सीधा इस फील्ड को, टोटल फील्ड निकालने के लिए जो हमने निकाला है, उसको सीधा ट्रिपल कर सकते हैं, तो इंटू 3 कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ इसको पुट कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू, √3 10^-6, और साइन 6 जो होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3। तो √3/2 प्लस √3/2 √3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो √3 3 3 9 18, सो 18 माइक्रो टेस्ला, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस पूरे ट्रायंगल की वजह से, और एक की वजह से हमने निकाले लिए, तो ट्रिपल कर दिया हमने खाली उसको। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको एक जो ये फॉर्मुला हमने डेवलप किया सेंट्रॉइड का, डिस्टेंस का, ये याद कर सकते हैं, एल बाय 2√3 बहुत जगह काम आता है। तो इस तरीके से कहीं भी वायर हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो। सो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।